हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो एसएससी जीडी की जो आई वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी की यानी कि क्या कट ऑफ रह सकती है, फाइनल आपको सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि एक संभावना रहेगी कि आपको लमसम इतने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आपका फाइनल रूप से चयन हो सके। साथियों देखो, वैकेंसी छोटी जरूर आई है लेकिन वैकेंसी में संभावना ये बन रही है कि वैकेंसी में पोस्टें आने वाले टाइम पे इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी जितनी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है उनमें भी जो नोटिफिकेशन के टाइम में जो पोस्टें आई थी उनसे पोस्टें बाद में बढ़ी है। तो साथियों, आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि आपका एसएससी जीडी में फाइनल रूप से चयन हो सके, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है साथियों, अलग अलग स्टेट की यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ रहती है, यानी कि राजस्थान की अलग रहेगी, मध्य प्रदेश की अलग रहेगी, गुजरात की अलग रहेगी, आपके हरियाणा की अलग रहेगी, उत्तर प्रदेश की अलग रहेगी, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी कट ऑफ रहती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको टारगेट रखते हुए तैयारी करना चाहिए। भाई, कम कट ऑफ नहीं रहने वाली है, लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया से, लगभग मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर 50 लाख प्लस फॉर्म आने वाले हैं। और वैकेंसी कितनी है, चलो वैकेंसी आपके लिए ये थोड़ी बहुत ये वैकेंसी है बढ़ भी सकती है, जो आपके 26,146 पोस्टें हैं ये आपके थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। और साथियों, इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो लास्ट डेट 31 दिसंबर है इसकी फॉर्म अप्लाई डेट, उससे पहले पहले आप फॉर्म भर दें, यानी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए आप पहले पहले फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि लगभग आंकड़ा मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे 50 लाख प्लस आवेदन आने की संभावना रहेगी, तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 50 से 52 लाख के आसपास में आवेदन हैं वो आए थे, तो इस वैकेंसी में भी पिछली वैकेंसी से कम आवेदन नहीं आएंगे। साथियों, टोटल यहाँ पे 7 फोर्स है, यानी कि 7 फोर्सेज में भर्ती की जाएगी, जो एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है साथियों, उनमें से CISF में है यहाँ पे 11,025 पोस्टें हैं, BSF में यहाँ पे 6,174 है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम रहता है। देखो, इनका काम भी मैं आपको बता देता हूँ, CISF का जो काम रहता है वो केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, जो भारत सरकार के बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र एरिया है उनकी ये सिक्योरिटी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी पर रहती है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो मूवमेंट होता है, कहीं पे भी कोई कानून व्यवस्था की दिक्कत आती है तो वहाँ पे ओनली फॉर मूवमेंट CRPF का रहता है। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस से बोला जाता है, जो इंडियन और तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पे इनका मूवमेंट रहता है ITBP का। ITBP के पास में साथियों, इसके बाद में आता है असम राइफल्स का मूवमेंट असम के सीमावर्ती एरियो में रहता है। SSB सशस्त्र सेना बल का मूवमेंट साथियों, इंडिया और जो नेपाल वाली बॉर्डर है वहाँ पे रहता है, और ये हमेशा यानी कि वेपन से लेस रहते हैं, शस्त्र से लेस रहते हैं SSB वाले। SSF की साथियों जो ड्यूटी रहती है वो अपने केंद्र शासित प्रदेश ओनली फॉर दिल्ली में रहती है, तो SSF भी सबसे बढ़िया ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पर पोस्टें बहुत कम हैं। CISF, BSF, CRPF और ITBP, यहाँ तक पोस्टें काफ़ी हैं, आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकती है। साथियों, कट ऑफ कौन कौन से राज्यों की रहती है, यानी कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो अब से पहले वैकेंसियाँ हुई है उनमें गई, तो साथियों सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो UP, बिहार, MP, हरियाणा और अपना राजस्थान, इन राज्यों की क्या है कट ऑफ सबसे टॉप रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो SSC GD यानी कि 10वीं 12वीं लेवल की वैकेंसियाँ या आर्मी की जो वैकेंसी आती है उन्हीं वैकेंसियों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर भी आपको एक छोटा सा टारगेट मैं देता हूँ कि ये वाला टारगेट आपको लेके चलना चाहिए ताकि आपका फाइनल रूप से चयन हो सके। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हो और मेल कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे 130 प्लस आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। 130 प्लस कैसे, यानी कि आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का होने वाला है, तो 160 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा। तो 130 प्लस आपको जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को टारगेट लेके चलना चाहिए। OBC और EWS लगभग ही रहती है इनकी, 125 के आसपास में रहने वाली है OBC और EWS दोनों कैटेगरी की। SC की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो 116-118 के आसपास में रह सकती है,
कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे 118-120, ये मैं आपको लगभग आइडिया बता रहा हूँ। इनसे यानी कि ज़्यादा ही आपको टारगेट रखना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की अपन बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है, जनरल की यहाँ पे 110 रहती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100, एससी की यहाँ पे 80 प्लस रहती है और एसटी की यहाँ पे 85। इनके आसपास में नंबर आपको लाना चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा नंबर आप ला रहे हो तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो एसएससी जीडी वाली वैकेंसी में। साथियों नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए आप सभी कमेंट करो, और कोई राजस्थान लेवल की वैकेंसी की अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।